तो शाहरुख भाई ये बताओ कि लॉकडाउन की वजह से क्या फर्क पड़ा है आपके ऊपर? फर्क पड़ा भाईजान, पैसे आने बंद हुए। अच्छा, बाकी तो खाना पीना दिन का वही खर्चा चल रहा है मंथली वाला। हाँ, यानी कि आ कुछ नहीं रहा, जा ही रहा है बस। जा रहा है वो, आज बालकदास दिवाली का कहानी सच हो गई है, चांदी खाती है ली निकालती है। पहले दूसरों मतलब पैसा आता था ना, जेम से नहीं देना पड़ता था। अच्छा, और आज जेम से देना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से भाईजान 4 महीने हो गए हैं, 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं खड़ी खा रही है। तो 1 महीने का कितना सबों का खर्चा मिला के कितना हो जाता होगा? अपन अच्छा खिलाए तो एक घोड़ी का कम से कम 5,500 महीने का। महीने एक घोड़ी का, एक घोड़ी का यानी डेली का लगा लो तो 200-250 रुपए करीब। 200-250 रुपए में आप अच्छी केयर में घोड़ी रख सकते हो। रख सकते हो? नहीं, आप कोई भी रख सकते, कोई भी रख सकते, आम बंदा भी रख सकता है। तो मिनिमम बंदा कम से कम कितने रुपए में घोड़ी रख पाल सकता है? घोड़ी भाईजान आपको किस हिसाब से लेनी है, जैसे आपको शौक से लेनी है तो आप नॉर्मली ले लो 60-70-80 हज़ार रुपए की। और आपको ब्रीड लाइन लेनी है और ब्रीडिंग करवा के बच्चे बच्ची लेने हैं तो फिर 2,00,000-2,50,000-3,00,000। अब दोनों का खाने पीने का कितना क्या हो जाएगा फिर भाईजान? खाने पीना तो वही है सेम है दोनों। हाँ, थोड़ा बहुत उसको ज्यादा खिलाओगे क्योंकि आप ज्यादा महंगे लाओगे तो उसका थोड़ा आप ज्यादा केयर करोगे। अच्छा, बाकी नॉर्मली खर्चा इसमें चल जाएगा। तो वैसे लॉकडाउन अगर नहीं होता तो 4-5 मंथ में कितना पैसा के करीब कमा लेते आप? देखो ना, जैसा आप जैसे मंथली खाती है उतना तो 1-0 लग ही जाता, पीछे आराम से आ जाता वापस आ जाता है। और अभी कुछ नहीं आ रहा है, अभी खा रही है बस फिक्स। तो 4 महीने में कितना नुकसान हो गया होगा लगभग अगर बात करें तो? खाना तो वही फिक्स है, 4-1 लाख का तो हो गया है। 4 लाख आराम से? आराम से। तो इसकी तो मेरे को लगे भरपाई मुश्किल ही हो भाईजान। अभी ये 2020 में तो नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। जो पिछले 2 महीनों में कमाया था वो तो ये कभी की खा चुकी है, खा चुकी है। तो कभी ऐसा लगा कि यार जैसे आप घोड़े रखते हो कि यार ये साले खा रहे हैं और कि तो बेचने का इरादा दिमाग में आया हो? उस दिन शौक खत्म हो जाएगा, को शौक खत्म हो जाएगा, शौक मरने लग जाएगा फिर। क्योंकि लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है भाईजान, हुआ है ना। बाकी जैसे हमारे फ्रेंड लोग हैं उनके पास धंधा इन पे ही चलता है, तो उनके अभी बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही होगी, घर में खाने के लाले पड़ते हैं, फिर इनको खिलाना तो भी बहुत बड़ी बात होती है ना। ज्यादा नहीं बोलता हूँ मैं क्योंकि खाती है ये, उनका इनको भी नहीं रखा जा सकता और अपन भी नहीं रह सकते। पर आपके यहाँ तो जितनी भी घोड़ियाँ हैं सब मेरे को लगता है 5-6 साल पुरानी है सारी, जितनी भी है ना। नहीं, अभी ये नहीं लेके आया अपन। अच्छा, ये नहीं लेके आए हो, बाकी तो सब पुरानी है आपके यहाँ पे? ये भी वो अपने कोई फ्रेंड के पास थी, उनसे ले ली, अच्छी बच्ची पसंद आ गई थी। अच्छा अच्छा, दिमाग देख के ले लिया अपन को कैसी, क्योंकि 4 लाख रुपए का नुकसान बहुत हो जाता है 1 महीने में, मान के चलो 1 लाख रुपए का है ना, तो उसकी भरपाई इस साल में तो शायद ही हो भाईजान। अपने सावे का काम है, उस सावे में हो जाती है भरपाई, 1 दिन में भी 1.5 लाख आ जाता है सब घोड़ी एक साथ जावे तो। सब जो घोड़ी एक साथ जाती है कभी कभार, एक सारी घोड़ी एक साथ भाईजान जाती है ना। अच्छा, जैसे अभी अपन 25 नवंबर 24 नवंबर की फुल बुकिंग हो चुकी है अभी। अच्छा, नवंबर की? नवंबर की और दिसंबर की बुकिंग हो चुकी है, दिसंबर 12 तक की अपने हो चुकी है अभी। तो अब जैसे कि लॉकडाउन रहा है, साल में कम पैसे लेके घोड़ी भेजेंगे तो अपने नुकसान ही है। अभी मैन सावा 24-25 और 12 दिसंबर तक है, जिसमें 7 या 8 डेट बोलती है पूरे साल की, सावा 7-8 डेट बोलती है, तो उसमें सब घोड़ी। तो जैसे कि 4 महीने में नुकसान हुआ है उसके हिसाब से कुछ रेट बढ़ाया है क्या भाईजान? रेट बढ़ाया उल्टा घटाया, तो अभी लोग बोल रहे ज्यादा है। अच्छा, 2 साल पीछे कर ली रेट, जैसे नॉर्मल घोड़ी के हम 9,000 लेते थे अभी 7,500 कर ली। अगर लोगों को लग रहा है ज्यादा है, अगर आदमी को 1,000 बोलेंगे तो 500 करेगा, वो तो आदत है। और जैसे अपन नॉर्मल तोरण करवाने जाते थे यहाँ अपने गांव में या 4 किलोमीटर, तो अपने नेचुरल रेट है 6,000 रुपए, जिसमें अपन भाई गाड़ी का भाड़ा 500-700 मान लेते हैं और पैदल नहीं भेजता हूँ मैं, गाड़ी है तो इनको कमा के दे रही है तो इनको दिक्कत नहीं देनी। तो अभी कैसे एडजस्ट कर रहे होगे पैसे का? एडजस्ट ये अपने आप करवाएगी भाईजान, अपने आप करवाएगी, करवा लेगी। अभी खिला रहे हैं तो वापस यही देगी, दे ही देगी। चलो, हम तो यही कहेंगे भगवान आपके पूरी भरपाई करे और जल्दी से जल्दी ये बीमारी सही हो जिससे आपका भी बिजनेस चले। क्योंकि जैसे आपका खराब हो रहा है ऐसे बहुत सारे घोड़े वाले लोगों का, देखो नुकसान तो हर फील्ड में है, हर फील्ड में हुआ। पर अगर अपन घोड़े की बात कर रहे हैं तो आप जैसे बहुत सारे लोगों का, और जिनके पास में एक घोड़ा है जो घोड़े के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसे बहुत सारे लोग है जिनका नुकसान, बहुत सारे ऐसे लोग है जिनपे घोड़े पे काम चलता है। जैसे अभी तांगे वाले में उनका तांगे पे धंधा चलता है, दिन भर कमाते हैं, शाम को घोड़े तांगे उनके बंद होंगे, तांगे बंद है भाईजान, तो खाने के लाले पड़, खाने पब्लिक इकट्ठी नहीं होने देगी तो तांगे कहाँ चलेंगे, वो अकेले लेके थोड़ी घूमेंगे, खाने के लाले पड़ जाते होंगे, खाने के लाले पड़ ही रहे, चल रहा है, देखो देगा ऊपर वाला, इनको भी देगा और हमें भी देगा, तुम्हें भी देगा भाईजान। चलो।